फैक्टिव वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है और यहाँ अक्सर दूसरे प्रदेशों से आने वाले युवाओं की तमन्नाएं भी मुकम्मल होती है। वहीं मुंबई शहर का ताज होटल इस शहर की शान है। ताज होटल के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा। मुंबई के ताज होटल को भारत का सबसे महंगा होटल माना जाता है, तभी तो इस होटल में आमतौर पर कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज शिरकत करते हैं। इसके अलावा कई बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ आते हैं। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये होटल सच में काफ़ी महंगा है। यहाँ पर रुकना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी ताज होटल की। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ताज होटल का मालिक कौन है, ताज होटल का निर्माण कब हुआ, ताज होटल में काम करने वाले लोग यानी वेटर, कुक और दरबान की महीने की सैलरी कितनी है? अगर आप नहीं जानते तो आज हम आप लोगों को मुंबई के ताज होटल में काम करने वाले स्टाफ की सैलरी के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे कि ताज होटल का खाना कितना महंगा है, क्या आम आदमी यहाँ का खाना अफोर्ड कर सकता है या नहीं, ताज होटल में एक दिन रुकने के लिए रूम का किराया कितना है, ताज होटल की एक साल की कमाई कितनी है और ताज होटल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, यकीन मानिए ये वीडियो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग फैक्टिव वर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने इस बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप में से कौन मुंबई के ताज होटल में काम करना चाहता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, चलिए अब आपको बताते हैं ताज होटल में काम करने वाले वेटरों की सैलरी के बारे में। आपको बता दें कि ताज होटल मुंबई का सबसे बड़ा होटल माना जाता है और होटल में काम करने वालों की सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर काम करने वाले वेटर की सैलरी कितनी है? दोस्तों, आपको बता दें कि ताज होटल में काम करने वाले वेटर को 130,000 से लेकर 150,000 रुपये मासिक सैलरी मिलती है। बेसिक सैलरी 12,000 से 13,000 होती है। कुल वेतन 137,000 से 151,000, जिसमें नकद बोनस, स्टॉक बोनस, लाभ साझाकरण, कमीशन शेयरिंग, टिप्स आदि शामिल है। इस पैकेज में होटल प्रोत्साहन और युक्तियों सहित भुगतान किया जाता है। बता दें कि ताज होटल में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो वहाँ के खाने के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानते। ऐसे में होटल के वेटर ही उनकी मदद करते हैं। इसके साथ ही वे होटल में मौजूद कई बेहतरीन जगहों से उन्हें रूबरू करवाते हैं और खाने से संबंधित पूरी जानकारी देते हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ वेटर की सैलरी 1.5 लाख तक ज़रूर होती है, लेकिन इस सैलरी को पाने के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर इन्हें इतना वेतन मिल पाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई वेटर की। ताज होटल के कुक की सैलरी 80,000 से 11 लाख पर मंथ है। अब दरबान यानी गार्ड की सैलरी भी जान लीजिए। ताज होटल के दरबान की सैलरी 50,000 से 1 लाख तक है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि मुंबई के ताज होटल का खाना कितना महंगा है। भारत के सबसे महंगे ताज होटल पैलेस में शामियाना, सी लाउंज, मसाला क्राफ्ट, स्टारबक्स और हार्बर बार जैसे खूबसूरत रेस्टोरेंट है। आपको बता दें कि ताज के इन सभी रेस्टोरेंट्स में शामियाना रेस्टोरेंट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रेस्टोरेंट माना जाता है। यहाँ आप कई प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट में वेज थाली का मूल्य लगभग 2,000 रुपये रखा गया है। आपको बता दें कि शामियाना रेस्टोरेंट में एक प्लेट आलू परांठा की कीमत लगभग 585 रुपये है और ऐसी ही कीमत कई अन्य डिशेस की भी है। शामियाना रेस्टोरेंट में दो लोगों के खाने का खर्च 4,500 से 5,000 तक आता है। बात करें सी लाउंज की, तो सी लाउंज शामियाना रेस्टोरेंट से थोड़ा महंगा है। यहाँ दो लोगों के खाने का खर्च 6,000 से 8,000 तक आता है। दोस्तों, ताज होटल की एक कप चाय भी करीब 500 रुपये की है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ताज होटल में एक दिन रुकने के लिए आपको एक रूम का कितना किराया देना होगा। दोस्तों, ताज होटल में 560 कमरे और 40 स्वीट्स है। 560 नॉर्मल कमरे 9,000 से 15,000 तक, वहीं स्वीट्स 1 लाख से 2 लाख तक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि होटल में टाटा स्वीट सबसे महंगा और लग्जरी है, जिसका एक दिन का किराया 10 लाख रुपये है।
चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं ताज होटल की कमाई के बारे में। ताज होटल की एक साल की कमाई 4,174 करोड़ रुपए है। वहीं इसकी 100 से ज़्यादा ब्रांच है। ताज भारत ही नहीं विदेशों में भी काफ़ी पॉपुलर है। ये भारत के अलावा भूटान, मलेशिया, मालदीव, दुबई, नेपाल, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, यूएई, यूके और यूएसए में स्थित है। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं ताज होटल से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मुंबई के कोलाबा नामक जगह पर स्थित ताजमहल पैलेस होटल 5-स्टार होटल है, जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के पास है। ताज होटल का निर्माण जमशेद जी टाटा ने 1903 में करवाया था। ताज होटल 117 साल पुरानी इमारत है। ताज होटल रिजॉर्ट्स एंड पैलेस का एक हिस्सा है। ये इमारत इस समूह की प्रमुख संपत्ति मानी जाती है, जिसमें 560 कमरे और 44 सुइट्स है। विदेश से आने वाले लोग भी गेटवे ऑफ इंडिया के पास स्थित ताजमहल होटल को काफी पसंद करते हैं। इस इमारत की खूबसूरती लोगों को काफी आकर्षित करती है। इस होटल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी की पत्नी जैकलीन कैनेडी, अनेक राष्ट्राध्यक्ष, राजा महाराजा, नामवर कंपनियों के सीईओ आदि ठहर चुके हैं। मुंबई में ताजमहल पैलेस को एशिया का सबसे प्रमुख होटल का दर्जा मिला है। ताज होटल में रेस्टोरेंट्स, कैफे, नाइट क्लब, बुकशॉप, शॉपिंग सेंटर, स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, गोल्फ क्लब, बेबी सिटिंग, ब्यूटी सैलून, लाउंड्री, डॉक्टर ऑन कॉल, अटैच बाथ, गर्म और ठंडा पानी आदि सुविधाएं मिलती है। इस होटल के बनने के बाद कुछ समय तक इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी टंगी थी, जिस पर लिखा होता था, ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। ताज होटल का निर्माण द टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर हुआ था, जिन्होंने महसूस किया कि बॉम्बे के अनुरूप एक होटल की आवश्यकता है। ताजमहल होटल की प्रमुख इमारत का निर्माण इंडोस्क्रैनिल शैली के द्वारा करवाया गया था। इस होटल में एक दिन रहने का किराया 13,000 से भी अधिक है। तो दोस्तों ये थी मुंबई के ताज होटल की पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल फैक्टिव वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।